वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. तो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 65 का डिस्कशन करा था ऑफ बेसिक एक्सरसाइज. इन टुडेज क्लास वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66. ठीक है, अभी भी हम लोग उसी सेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज जीरो फर्स्ट एंड एनथ ऑर्डर वाले. तो ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ही सेइंग, इफ अ रिएक्शन विद टी ऑफ 69.3 सेकंड एज अ रेट कॉन्स्टेंट 10^-2 पर सेकेंड द ऑर्डर इज. अगेन यू कैन सी कि देख के स्टूडेंट को एकदम से शक पका जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. कैसे बताऊँ, ऑर्डर यूनिट से चल रहा है बेटा. आपको वो कन्फ्यूज करने के लिए टी हाफ भी दे रहा है, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट भी दे रहा है. स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, इससे कैसे ऑर्डर पता पड़ सकती. ऑर्डर के लिए यूनिट से पता पड़ती. पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ 1 मोलर सॉल्यूशन टू बी रिड्यूस टू 0.5 मोलर. है ना, इस क्वेश्चन को मैं अच्छा बोलूँगा. सेकेंड ऑर्डर का हम लोगों ने प्रैक्टिस तो करी है. सेकेंड ऑर्डर की भी क्या फॉर्मूला था, 1/80 इक्वल्स टू 1/A0 प्लस के टी. ठीक, वॉट इज 1/80, 0.5. सो 1/0.5 इक्वल्स टू 1/1 प्लस के, हाउ मच, 8 × 10^-5 इंटू टी. तो ये 2 हो गया बेटा, 2 - 1 इज 1. ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर दे डायरेक्टली, चलिए आपके लिए लिख ही देते हैं. तो 2 = 1 + 8^-5 इंटू टी. सो टी की वैल्यू ये माइनस हो गया 1/8 × 10^-5, मतलब आई कैन से इट इज़ 10/8 × 10^4. अब 10^4 वाला आंसर केवल आपका ये है, ये तो 1 से ज़्यादा ही होगा, बट डिवाइड करना भी चाहें तो 5/4, और 5/4 की वैल्यू 1.25 ही होती है इंटू 10^4 मिनट. तो अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्लास में करा भी था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन फॉर एनथ ऑर्डर रिएक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन. टी हाफ एंड कंसंट्रेशन का बोल रहा है, फॉर एनथ ऑर्डर रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन. रिएक्शन ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट्स व्हेन कंसंट्रेशन इज 2 mol/L. दिस इज डिकम्पोज 50% इन 10 मिनट्स एट 4 mol/L. एन एंड टी रेस्पेक्टिवली बताओ. सबसे पहली बात तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस आने का मतलब ये, इट इज़ ए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन. अब बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट्स व्हेन कंसंट्रेशन इज 2 mol/L. ओके, आपको एक तो ऑर्डर बतानी थी, तो एन तो हमने बता दिया है 1, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 2 या 3 में से होगा. ठीक, नेक्स्ट, दिस इज डिकम्पोज 50% इन 10 मिनट्स एट 4 mol/L. अगर आपने ऑर्डर रिएक्शन की बता दी है कि फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इनिशियल कंसंट्रेशन ये 2 और 4, इससे कोई लेना देना नहीं होता. अगर वो पहली बार 10 मिनट्स में 50% कंप्लीट हुई है, तो सेकंड बार भी वो 50% 10 मिनट्स में कंप्लीट होगी, दैट मीन माय आंसर विल बी 1. अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपीयर्ड इन 1.388 आवर्स, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट. बी केयरफुल, टाइम इज इन आवर्स बट हियर इट इज़ इन सेकेंड्स. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टी 75%, यू कैन सी अगेन द यूज ऑफ जे एच टाइम इज 2 टी ऑफ एंड विच इज़ 1.388. ये क्यों दिया है, इसका यूज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कराएगा. तो टी हाफ निकालोगे तो 0.694 आएगा. ठीक है, और इससे अब अगर आपको के निकालना है तो इट इज़ 0.693/0.693. ठीक है ना, ये बेसिकली 1 हो गया, बट ध्यान देना ये 1 किस में हो गया आपका, ये 1 किस में हुआ आपका, आवर इनवर्स में. और आपसे तो उसने सेकेंड में बात करी है, तो इसलिए 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स. तो 1/3600 आपका आंसर होगा, जिसमें, ठीक है ना, आप जब इसे डिवाइड करोगे बेटा, तो 10^-4 अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ, तब जाके ये हमारा बनेगा 100/36.
ठीक है, तो 100 बाय 10 की पावर एक तो मुझे समझ में आ गया मेरा आंसर 10 पावर माइनस 4 में होना चाहिए, ठीक है, वैसा एक ही आंसर है। और अब 100 बाय 36 रफली अगर मैं इसे 40 लेता तो 2.5 आता, तो 2.8 मतलब आंसर विल बी 2। तो अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। टाइम का यूज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो मिनट्स सेकेंड्स कर सकता है, उसी को उसने यहाँ पर यूज़ करवा दिया है, ठीक है ना। एक आंसर 1 भी दिया है, जिस स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक अगर नहीं देखा तो वो सीधे 1 सेकेंड इनवर्स देख कर टिक करके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, नीट में इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको परेशान करेगा। 70th क्वेश्चन, अगेन जेएस टाइम का यूज़ आ रहा है आपका। इन द केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू 99.9% कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन टू द 50% कम्प्लीशन, ये ऑलरेडी मैं क्लास में करवा ही चुका हूँ, 10 होता है, सीधे सीधे आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। जो चीज़ें हम क्लास में कर चुके हैं उनके लिए हम दोबारा डेरिवेशन नहीं करेंगे, उन्हें याद रखना मस्ट है, ठीक है ना। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर एग्जाम विद अ गुड रैंक विद अ गुड मार्क्स, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करिए, उसे लर्न कर लीजिए, उसमें किसी तरह की कोई भी कमी मत छोड़िए। तो अगर आपको याद है सीधे 10, ठीक है, आपका आंसर हो गया, आप आगे बढ़ गए सामने वाले से तुरंत। नेक्स्ट, फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा ऑफ टी हाफ एट डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन से ए फॉर अ गिवन रिएक्शन द टी हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, है ना। कैसे हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में टी हाफ इक्वल्स टू 1 बाय ए नॉट के होता है, तो बोल ही रहा आपसे कि टी हाफ और ए का प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। और अगर ये कॉन्स्टेंट हो रहा है तो हमारी रिएक्शन डेफिनेटली कौन से ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 72 क्वेश्चन, द रिएक्शन N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड यील्ड ए स्ट्रेट लाइन। अगर फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है बेटा, ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का होगा वर्सेस टाइम के साथ, क्योंकि इसी फार्मूले में जो हमारा फार्मूला है K=1/T ln of, है ना, ऊपर हम लोग लिखेंगे इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 और नीचे लिखेंगे हम लोग फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5, क्योंकि हमने बार बार बात करी कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब आपको ln बोलो log बोलो, इस पर्टिकुलर का ग्राफ वर्सेस टाइम बोला है, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग इक्वेशन तो बना ही चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं कि log of a minus x जो होगा इट इज़ log ऑफ ए नॉट माइनस ऑफ, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ जो हम लोग कर चुके हैं, माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303। तो हमसे वो इसका और इसका ग्राफ पूछ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन का होगा विथ नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ये तो मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही मानूंगा, सीधे हमारा आंसर 1 हम लोग क्लास में कर चुके हैं और ऑलरेडी इन इस बेसिक एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अभी सामने मुझे हटाने की जरूरत ही नहीं है। लॉग ऑफ ए माइनस एक्स वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, फर्स्ट तो करेक्ट है, टी हाफ और ए आपका, ठीक है ना, टी हाफ कभी भी इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो कॉन्स्टेंट होगा, ये भी करेक्ट है। सो माई आंसर विल बी 4th, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए 74th क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा वर ऑप्टेन एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, टी हाफ 50 mm पर 3.64, 100 मिनट पर 1.82, 200 मिनट पर 0.95, वो आपसे बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। ना टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की तो नहीं हुई, ठीक है ना, ठीक है ना। टी हाफ कम हो रहा है जब कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है, एग्जैक्टली हाफ हुआ है बेटा जब ये डबल हुआ है। तो अभी हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आया था कि अगर आप ओरली समझ सकें, ठीक है ना, कि ये डबल हो रहा है और टी हाफ हाफ हो रहा है, मतलब टी हाफ और ए नॉट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला हमेशा सेकेंड ऑर्डर होता है, सीधे सीधे आंसर 2। और नहीं समझ पाए तो आपको फिर करना पड़ेगा बेटा फर्स्ट वाला टी हाफ, है ना, फिर वो बेसिक फार्मूला टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर एन माइनस 1। और इसलिए मैंने हाफ लाइफ मेथड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुली समझाया था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है ना।
तो 3.64 अपॉन 1.82, जहां आपने 3.64 रखा है उसका वाला प्रेशर मतलब 50 नीचे जाएगा और इसका ऊपर जाएगा की पावर n माइनस 1, तो यू कैन सी अगेन 2 की पावर है ना, 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1, इट इज़ वैलिड जब n इक्वल्स टू 2 हो। तो ओरली भी आदत डालिए, नहीं कर पाते तो फिर फॉर्मूला एक मिनट में लगाइए, कोई नुकसान नहीं है। 75th क्वेश्चन, द रिएक्शन इज फाउंड टू हैव द रेट कॉन्स्टेंट एक्स सेकेंड इनवर्स, बाई वॉट फैक्टर द रेट इज इंक्रीज्ड इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, है ना। अब देखिए वापस, सेकेंड इनवर्स बोलते ही रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब तक तो आपके दिमाग में बस चुका होगा, कितनी बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से ऑर्डर को निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है। अब उसने बोला अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए का ट्रिपल करा है तो रेट को भी ट्रिपल ही होना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जितने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतने ही टाइम्स रेट भी बढ़ेगी, सीधे सीधे आंसर 3। ठीक है, रेट है, अगर रेट कांस्टेंट बोल देता तब हमारा आंसर हो जाता रिमेन सेम, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता है।